अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल फ़र्क ना, न्यू ड्रामा से फ़र्क ना सिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ़र्क के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा न्यू ड्रामा से फ़र्क के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें सहर खान यानी इस इर्सा का किरदार अदा कर रही हैं। इर्सा इस ड्रामे में बहुत ही अच्छी इनोसेंट मासूम लड़की है, यानी जिसकी शादी ज़बरदस्ती उसके वालिद करवा देंगे एक अमीर ख़ानदान में, लेकिन वो आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा उम्र का होगा। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा जो है वो एक ड्राइवर की बेटी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम हासिल कर रही है और सब लोगों को यही बताती है कि वो एक आला ख़ानदान से अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाने के बाद इर्सा बड़ी परेशान में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी, जिसके बाद इर्सा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्सा की अब शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मोहल्ले वाले इर्सा को बहुत बदनाम कर रहे हैं। इर्सा बेचारी थक चुकी है सब कुछ सुन सुन के, जिसके बाद इर्सा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्सा तुम्हारी शादी करनी है मैंने और रिश्ता भी मैंने देख लिया है, जिसके बाद इर्सा कहेगी कौन सा रिश्ता और कहाँ देखा है आपने। जब इर्सा के वालिद बताएंगे कि बहुत अच्छा अमीर ख़ानदान है, बहुत अच्छा आला ख़ानदान है और खूब पैसे वाले हैं, तुम ऐश करोगी, ये बात सुन के इर्सा एकदम हैरान हो जाती है। अपने वालिद से कहती है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बाद इर्सा के वालिद यही कहेंगे कि मैं कमाल साहब ही नहीं अपने साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहली वाइफ की डेथ हो गई है, वो उसकी बेटी जो है वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन इर्सा की शादी करवा रहे हैं, उसके वालिद इतने शाही हैं, वो अपनी बेटी को तबाह करने को सोच रहे हैं, लेकिन इर्सा वहाँ चली जाएगी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन मोहब्बत और प्यार नहीं मिलेगा उसको। एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा के वालिद जो है वो इर्सा की शादी जो है कमाल साहब से प्रपोज़ल भेज देंगे, वो हाँ कर देंगे, इर्सा की शादी कमाल साहब से हो जाएगी, जबकि कमाल साहब जो है उनको भी सहारे की ज़रूरत है ताकि इस घर को कोई समेट ले। यानी इर्सा की शादी कमाल साहब से हो जाने के बाद कमाल साहब इर्सा को ऐशो आराम, पैसा दौलत सब कुछ देंगे, लेकिन सिवाय मोहब्बत के। इर्सा कुछ वक्त तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, लेकिन बाद में उसको मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कमाल साहब की बेटी है वो एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है, इर्सा को इतना ज़्यादा तंग करेगी, इतना परेशान करेगी, बेचारी तंग आ जाएगी। फिर वो इर्सा की शादी हो जाने के बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, सब कुछ हालात देखे घर के, लेकिन इर्सा की कमाल साहब से शादी नेक्स्ट एपिसोड में हो जाएगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से न्यू ड्रामा से फ़र्क के नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को ना सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल फ़र्क ना, न्यू ड्रामा से फ़र्क ना सिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से फ़र्क के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा न्यू ड्रामा से फ़र्क के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें सहर खान यानी इस इर्सा का किरदार अदा कर रही हैं। इर्सा इस ड्रामे में बहुत ही अच्छी इनोसेंट मासूम लड़की है, यानी जिसकी शादी ज़बरदस्ती उसके वालिद करवा देंगे एक अमीर ख़ानदान में, लेकिन वो आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा उम्र का होगा। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा जो है वो एक ड्राइवर की बेटी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम हासिल कर रही है और सब लोगों को यही बताती है कि वो एक आला ख़ानदान से अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाने के बाद इर्सा बड़ी परेशान में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी, जिसके बाद इर्सा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्सा की अब शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मोहल्ले वाले इर्सा को बहुत बदनाम कर रहे हैं। इर्सा बेचारी थक चुकी है सब कुछ सुन सुन के, जिसके बाद इर्सा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्सा तुम्हारी शादी करनी है मैंने और रिश्ता भी मैंने देख लिया है, जिसके बाद इर्सा कहेगी कौन सा रिश्ता और कहाँ देखा है आपने। जब इर्सा के वालिद बताएंगे कि बहुत अच्छा अमीर ख़ानदान है, बहुत अच्छा आला ख़ानदान है और खूब पैसे वाले हैं, तुम ऐश करोगी, ये बात सुन के इर्सा एकदम हैरान हो जाती है। अपने वालिद से कहती है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं,
जिसके बाद इर्षा के वालिद यही कहेंगे कि मैं कमाल साहबी ने अपने साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई है, वो उसकी बेटी जो है वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन इर्षा की शादी करवा रहे हैं, उसके वालिद इतने शाही हैं, वो अपनी बेटी को तबाह करने की सोच रहे हैं, लेकिन इर्षा वहाँ चली जाएगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन मोहब्बत और प्यार नहीं मिलेगा उसको। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्षा के वालिद जो हैं वो इर्षा की शादी जो है कमाल साहब से प्रपोज़ल भेज देंगे, वो हाँ कर देंगे, इर्षा की शादी कमाल साहब से हो जाएगी, जबकि कमाल साहब जो है उनको भी सहारे की ज़रूरत है ताकि इस घर को कोई समेट ले। यानी इर्षा की शादी कमाल साहब से हो जाने के बाद कमाल साहब इर्षा को ऐशो आराम पैसा दौलत सब कुछ देंगे, लेकिन सिवाय मोहब्बत के। इर्षा कुछ वक्त तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, लेकिन बाद में उसको मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कमाल साहब की बेटी है वो एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है, इर्षा को इतना ज़्यादा तंग करेगी, इतना परेशान करेगी, बेचारी तंग आ जाएगी। फिर वो इर्षा की शादी हो जाने के बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, सब कुछ हालात देखे घर के, लेकिन इर्षा की कमाल साहब से शादी नेक्स्ट एपिसोड में हो जाएगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से न्यू ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमत राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से फ़र्क ना, न्यू ड्रामा से फ़र्क ना, सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फ़र्क के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा न्यू ड्रामा से फ़र्क के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें सहर खान यानी इस इर्षा का किरदार अदा कर रही हैं, इर्षा इस ड्रामे में बहुत ही अच्छी इनोसेंट मासूम लड़की है, यानी जिसकी शादी ज़बरदस्ती उसके वालिद करवा देंगे एक अमीर ख़ानदान में, लेकिन वो आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा उम्र का होगा। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्षा जो है वो एक ड्राइवर की बेटी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम हासिल कर रही है, और सब लोगों को यही बताती है कि वो एक आला ख़ानदान से अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाने के बाद इर्षा बड़ी परेशान में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी, जिसके बाद इर्षा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्षा की अब शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मोहल्ले वाले इर्षा को बहुत बदनाम कर रहे हैं, इर्षा बेचारी थक चुकी है सब कुछ सुन सुन के, जिसके बाद इर्षा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्षा तुम्हारी शादी करनी है मैंने, और रिश्ता भी मैंने देख लिया है, जिसके बाद इर्षा कहेगी कौन सा रिश्ता और कहाँ देखा है आपने। जब इर्षा के वालिद बताएंगे कि बहुत अच्छा अमीर ख़ानदान है, बहुत अच्छा आला ख़ानदान है और खूब पैसे वाले हैं, तुम ऐश करोगी, ये बात सुन के इर्षा एकदम हैरान हो जाती है, अपने वालिद से कहती है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बाद इर्षा के वालिद यही कहेंगे कि मैं कमाल साहब यानी अपने साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई है, वो उसकी बेटी जो है वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन इर्षा की शादी करवा रहे हैं, उसके वालिद इतने शाही हैं, वो अपनी बेटी को तबाह करने की सोच रहे हैं, लेकिन इर्षा वहाँ चली जाएगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन मोहब्बत और प्यार नहीं मिलेगा उसको। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्षा के वालिद जो है वो इर्षा की शादी जो है कमाल साहब से प्रपोज़ल भेज देंगे, वो हाँ कर देंगे, इर्षा की शादी कमाल साहब से हो जाएगी, जबकि कमाल साहब जो है उनको भी सहारे की ज़रूरत है ताकि इस घर को कोई समेट ले। यानी इर्षा की शादी कमाल साहब से हो जाने के बाद कमाल साहब इर्षा को ऐशो आराम पैसा दौलत सब कुछ देंगे, लेकिन सिवाय मोहब्बत के। इर्षा कुछ वक्त तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, लेकिन बाद में उसको मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कमाल साहब की बेटी है वो एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है, इर्षा को इतना ज़्यादा तंग करेगी, इतना परेशान करेगी, बेचारी तंग आ जाएगी। फिर वो इर्षा की शादी हो जाने के बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, सब कुछ हालात देखे घर के, लेकिन इर्षा की कमाल साहब से शादी नेक्स्ट एपिसोड में हो जाएगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से न्यू ड्रामा से फ़र्क की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से वीवर्स, दिल की ग्रहों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल फर्क ना, न्यू ड्रामा से फर्क ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके नेक्स्ट एपिसोड ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा न्यू ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें सहर खान यानी इस इर्सा का किरदार अदा कर रही हैं। इर्सा इस ड्रामे में बहुत ही अच्छी इनोसेंट मासूम लड़की है, इन जिसकी शादी ज़बरदस्ती उसके वालिद करवा देंगे एक अमीर ख़ानदान में, लेकिन वो आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा उम्र का होगा। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा जो है वो एक ड्राइवर की बेटी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम हासिल कर रही है और सब लोगों को यही बताती है कि वो एक आला ख़ानदान से अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाने के बाद इर्सा बड़ी परेशान में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी, जिसके बाद इर्सा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्सा की अब शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मोहल्ले वाले इर्सा को बहुत बदनाम कर रहे हैं। इर्सा बेचारी थक चुकी है सब कुछ सुन सुन के, जिसके बाद इर्सा के वालिद यही फ़ैसला करेंगे कि इर्सा तुम्हारी शादी करनी है मैंने और रिश्ता भी मैंने देख लिया है। जिसके बाद इर्सा कहेगी कौन सा रिश्ता कहाँ देखा है आपने। जब इर्सा के वालिद बताएंगे कि बहुत अच्छा अमीर ख़ानदान है, बहुत अच्छा आला ख़ानदान है और खूब पैसे वाले हैं, तुम ऐश करोगी, ये बात सुन के इर्सा एकदम हैरान हो जाती है। अपने वालिद से कहती है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जिसके बाद इर्सा के वालिद यही कहेंगे कि मैं कमाल साहब ने अपने साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई है, वो उसकी बेटी जो है वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन इर्सा की शादी करवा रहे हैं, उसके वालिद नशाई हैं, वो अपनी बेटी को तबाह करने की सोच रहे हैं, लेकिन इर्सा वहाँ चली जाएगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन मोहब्बत और प्यार नहीं मिलेगा उसको। एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि इर्सा के वालिद जो है वो इर्सा की शादी जो है कमाल साहब से प्रपोजल भेज देंगे, वो हाँ कर देंगे, इर्सा की शादी कमाल साहब से हो जाएगी, जबकि कमाल साहब जो है उनको भी सहारे की ज़रूरत है ताकि इस घर को कोई समेट ले। यानी इर्सा की शादी कमाल साहब से हो जाने के बाद कमाल साहब इर्सा को ऐशो आराम, पैसा दौलत सब कुछ देंगे, लेकिन सिवाय मोहब्बत के। इर्सा कुछ वक्त तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करे, लेकिन बाद में उसको मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कमाल साहब की बेटी है वो एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है, इर्सा को इतना ज़्यादा तंग करेगी, इतना परेशान करेगी, बेचारी तंग आ जाएगी। फिर वो इर्सा की शादी हो जाने के बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, सब कुछ हालात देखे घर के, लेकिन इर्सा की कमाल साहब से शादी नेक्स्ट एपिसोड में हो जाएगी। नाज़रीन आपको ड्रामा से न्यू ड्रामा से फर्क के नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।